वी स्टडी द डॉप्लर इफेक्ट ऑन लाइट और कुछ अदर एक्सपेरिमेंट ऑल्सो हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज का जो टॉपिक है दैट इज योर डॉप्लर्स इफेक्ट इन लाइट, इफेक्ट इन लाइट, है ना, कि जैसा कि आपने डॉप्लर इफेक्ट इन साउंड पढ़ा था उसी के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे डॉप्लर इफेक्ट इन लाइट पढ़ते हैं, यहाँ पर, है ना। डॉप्लर इफेक्ट इन बेसिकली आपका लाइट है ना, तो ये बेसिकली आप इसमें थोड़ा सा एनालाइज करोगे आज, है ना। तो साउंड का डॉप्लर इफेक्ट आपको पता ही, एक ही फॉर्मूला होता था उसी को यूज करते थे, है ना, वैसे ये भी है। लेकिन ध्यान रखना कि डॉप्लर इफेक्ट ऑफ लाइट में ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रेफरेंस फ्रेम, लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम, है ना। किसी भी फ्रेम से हम ले लें, स्पीड ऑफ लाइट हमेशा सेम ही होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसलिए वो नॉर्मली साउंड से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, कि साउंड की स्पीड फ्रेम के ऊपर डिपेंड करेगी कि भाई किस फ्रेम से हम स्पीड मेजर कर रहे हैं। लेकिन जो डॉपलर स्पीड ऑफ लाइट होती है ना, वो फ्रेम से क्या होती है, बेसिकली आपकी इंडिपेंडेंट होती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, है ना। तो डॉपलर इफेक्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन सिंपल सी ये हो जाएगी कि द फिनोमेना ऑफ of apparent change in frequency or wavelength, wavelength है ना, apparent change of frequency of wavelength or light, wavelength of light due to relative motion between ना बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, बिटवीन सोर्स ऑफ लाइट एंड ऑब्जर्वर, है ना, इज कॉल्ड डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर्स इफेक्ट। सेम डेफिनेशन है जो आपने साउंड में लिखा था कि फिनोमेना ऑफ अपेरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ ऑफ लाइट due to relative motion between the source of light and observer, इसी को हम क्या बोलते हैं, exactly आपके डॉपलर इफेक्ट बोलते हैं। तो देखो लाइट ज्यादातर साउंड में ना हम चेंज इन फ्रिक्वेंसी की बात करते थे, है ना, कि साउंड में जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी वो आपकी फ्रिक्वेंसी थी, क्योंकि आपका जो ईयर है ना फ्रिक्वेंसी को सेंस करता है। तो साउंड में जो मेन जो चीज थी वो आपकी एपरेंट फ्रिक्वेंसी थी, कि भाई कितना फ्रिक्वेंसी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। लेकिन लाइट नॉर्मली जो सेंस करती है ना आपका रेटिना, वो वेवलेंथ को सेंस करता है। लाइट में ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी वो एपरेंट वेवलेंथ हो जाएगी, है ना। हालांकि फ्रिक्वेंसी भी चेंज होता है, लेकिन ज्यादा हम फोकस जो करेंगे ना वो एपरेंट वेवलेंथ पे करेंगे, है ना। तो ये बात है कि जो रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज इन फ्रिक्वेंसी या वेवलेंथ होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका डॉपलर इफेक्ट, है ना। तो ये डॉपलर इफेक्ट के लिए आपकी आपकी डेफिनेशन आ गई, है ना। तो इसको लिख लो पहले, है ना, ये आपका गया। तो अब इसमें केसेस ले लेते हैं, इस द पेज नंबर वन। तो केसेस में मैं अगर मैं आता हूं तो सबसे पहले मैं जो केस लूंगा दैट इज योर जो सोर्स ऑफ साउंड है, सोर्स ऑफ लाइट है, ये किसी ऑब्जर्वर के टुवर्ड्स मूव कर रहा है। तो अगर हम इसमें दो ही केसेस होते हैं, या तो टुवर्ड्स या अवे, है ना। इसमें बहुत ज्यादा साउंड जैसे बहुत ज्यादा केसेस हम नहीं बनाते हैं, बल्कि एक टुवर्ड्स का केस होता है, दूसरा क्या होता है, इसलिए आपका अवे का केस होता है। तो पहला मैं केस ले लेता हूं, सोर्स ऑफ लाइट, राइट, मूविंग टुवर्ड्स, मूव्स टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, स्टेशनरी ऑब्जर्वर,
है ना, कि कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है वो किस तरफ मूव कर रही है, बेसिकली आपकी टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। मैं लिख लो फटाफट से, इसमें जस्ट मैंने डॉपलर इफेक्ट की डेफिनेशन लिखी है। ना कि सोर्स ऑफ लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर, है ना। तो सिंपल से ऐसा केस हो जाएगा कि यहाँ पे आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है, ना, मे बी कोई स्टार या डिफरेंट गैलेक्सीज हो सकती हैं, और कोई ऑब्जर्वर रेस्ट पे रखा हुआ है यहाँ पे, कि जो ऑब्जर्वर की पोजिशन है वो क्या है, बेसिकली आपका रेस्ट पे है, ये तो आपका सोर्स ऑफ लाइट हो गया और ये कोई ऑब्जर्वर है, तो ऑब्जर्वर आपका रेस्ट पे है और सोर्स इसकी तरफ वी से मूव कर रहा है, है ना। इसने किसी एफ फ्रिक्वेंसी का लाइट इमिट की, है ना, तो लाइट आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करेगी और ऑब्जर्वर इसको देखेगा, है ना, कि ऑब्जर्वर के रेटिना इसको सेंस करेगी, तो एफ इज द एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, इसको जो दिखाई देगी फ्रिक्वेंसी वो एफ डैश दिखाई देगी, तो यहाँ पे एफ जो मैंने लिखा है दैट इज योर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, है ना, कि आपका जो हो गया दैट इज योर एक्चुअल फ्रिक्वेंसी, ये आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी होगी, है ना। लेकिन चूंकि दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है तो एफ डैश इसको अपरेंट फ्रिक्वेंसी दिखाई देगी, है ना, कि ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका अपरेंट फ्रिक्वेंसी। तो इसका सिंपल सा रिलेशन है कि यहाँ पे ध्यान रखना कि सोर्स ऑफ लाइट जो मूव करता है ना उसकी स्पीड ऑफ लाइट से इसकी स्पीड बहुत कम होती है ना। साउंड में भी ऐसी था कि जो भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर की वेलोसिटी थी वो साउंड की स्पीड से बहुत कम थी, यहाँ भी ऐसी है कि जो भी सोर्स एंड ऑब्जर्वर मूव कर रहे हैं इसकी स्पीड जो स्पीड ऑफ लाइट से क्या है आपके काम है, है ना। तो जब कम होगा तभी डॉपलर इफेक्ट की फॉर्मूले क्या होंगे, उसके लिए आपके वैलिड होंगे। तो यहाँ से जस्ट इक्वेशन आ जाता है कि जो एफ डैश की वैल्यू होगी, है ना, ये आपकी एक्चुअल फ्रिक्वेंसी इंटू यहाँ पे आ जाएगा बेसिकली आपका 1+V/C, ये आपका आ गया, है ना, कि जब भी कोई सोर्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो उसकी जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी एफ इंटू 1+V/C हो जाएगी, है ना। अवश्य बात है कि इस केस में अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, है ना, कि यहाँ से देखने से लग रहा है कि वन में कोई चीज ऐड हो रही है, तो अपरेंट फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, अपरेंट फ्रिक्वेंसी इस केस में क्या होगी, इसके लिए आपकी इंक्रीज होती है, इंक्रीजेस, है ना। लेकिन वही बात है कि आपका जो मेन कंसर्न है वो वेवलेंथ का है, जैसे एक्चुअल फ्रिक्वेंसी बेसिकली आपका एफ है, तो एक्चुअल वेवलेंथ भी हम ले सकते हैं कि एक्चुअल वेवलेंथ अगर लैम्डा है और अपरेंट वेवलेंथ इसको लैम्डा डैश आता है, तो मेन चीज हम अपरेंट वेवलेंथ निकालते हैं, तो अपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा, ध्यान रखना यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा 1-V/C, है ना। और जो फॉर्मूला आप याद रखोगे ना, अब इन दोनों फॉर्मूले में आप कन्फ्यूज हो जाओगे क्योंकि तो इसमें फॉर्मूले जो है वो काफी सिमिलर होते हैं, तो आप वेवलेंथ का याद रखना कि आप जो फॉर्मूला ज्यादातर जो यूज होगा वो वेवलेंथ वाला फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है, तो आप जो मेमोराइज करोगे वो ये वाला करोगे कि जब भी किसी सोर्स किसी ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो उसका वेवलेंथ की वैल्यू लैम्डा इंटू 1-V/C हो जाएगी, मतलब अपरेंट वेवलेंथ जो होगा इट विल डिक्रीज, तो यहाँ पे जस्ट आपका आ जाएगा कि अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे जस्ट हम ऐसी बात करेंगे तो जो अपरेंट वेवलेंथ होगी वेवलेंथ विल डिक्रीज, है ना, कि जो अपरेंट वेवलेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो लैम्डा डैश इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 1-V/C, कि अपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डिक्रीज हो जाएगी, है ना। तो वेवलेंथ वेवलेंथ तो आपका डिक्रीज हो गया, है ना, कि अपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो ये हम इस तरह से करते हैं कि लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा इंटू 1-V/C हो जाएगी और अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीज हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीज होगा, नहीं डिराइव करने की जरूरत नहीं बेटा इसे, तो जस्ट आपको फैक्चुअल नॉलेज है, है ना, अदरवाइज तो बहुत सारे बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं पता होता है, है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए कभी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकते हैं। तो ये अपरेंट वेवलेंथ हो गया और अपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, तो अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, सिंस अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीजेस, अपरेंट वेवलेंथ, है ना, डिक्रीज हो रहा है, कि जब भी टुवर्ड्स से केस होगा तो अपरेंट वेवलेंथ डिक्रीज होगा, सो स्पेक्ट्रम ऑफ द रेडिएशन फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन
फ्रॉम सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट है ना, शिफ्ट टुवर्ड्स टुवर्ड्स वायलेट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है ना, कि भाई अगर वेवलेंथ कम होगा तो जो स्पेक्ट्रम कम वेवलेंथ की तरफ जाएगा, तो वायलेट का वेवलेंथ कम होता है ना, तो जो जो स्पेक्ट्रम शिफ्ट होगा वो वायलेंट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम के ऊपर शिफ्ट होगा, है ना, इसी चीज को हम बोलते हैं इसी, दिस इज कॉल्ड वायलेट शिफ्ट, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका दिस इज कॉल्ड वायलेट शिफ्ट, है ना, कि ये जो चीज होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका वायलेट शिफ्ट बोलते हैं, है ना, मतलब ये जाएगा कि जैसे ये विप ग्योर कलर होता है ना, तो बेसिकली सोर्स ऑफ लाइट से कौन सी वेवलेंथ आ रही है उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो दिखाई देगा वो तो डिक्रीज हो जाएगा ना, सिंपल से बोल रहा है कि भाई जो अपेरेंट वेवलेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, और अपेरेंट वेव अगर डिक्रीज होगा तो स्पेक्ट्रम में शिफ्ट वायलेट कलर की तरफ हो जाएगा, है ना, और इसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका वायलेट शिफ्ट, है ना, तो ये जो टॉपिक है ना इसको आप एक अलग से नाम ले लेना, इसी को हम बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट, कि भाई डॉपलर इफेक्ट की वजह से जो वेवलेंथ में शिफ्ट होता है इसी को वी कॉल इट एज ए डॉपलर शिफ्ट, तो डॉपलर शिफ्ट दो तरह का होता है, एक तो वायलेट शिफ्ट हो गया कि भाई अगर वो वेवलेंथ डिक्रीज हो रहा है तो स्पेक्ट्रम वायलेट एंड की तरफ शिफ्ट होगा, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका वायलेट शिफ्ट, है ना, और इस वायलेट शिफ्ट की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कितनी होगी, इसी फॉर्मूले से तो निकालोगे आप कि वायलेट शिफ्ट मतलब चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, है ना, कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डॉपलर शिफ्ट कितना हो जाएगा, कि जो डॉपलर शिफ्ट होगा इसका मतलब हो जाएगा चेंज इन वेवलेंथ, रिलेटिव मोशन की वजह से चेंज इन वेवलेंथ कितना होगा, है ना, इसी को हम बोलते हैं इसलिए आपका डॉपलर शिफ्ट, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, आप देखो लैम्डा डैश की वैल्यू आपने लिखी है लैम्डा इंटू वन माइनस वी बाई सी, है ना, तो इसी को थोड़ा सा अगर मैं डेल्टा लैम्डा निकालना चाहूँ तो डेल्टा लैम्डा का मतलब हो जाएगा लैम्डा माइनस लैम्डा डैश इस फॉर्मूले से, तो ये आपका हो जाएगा लैम्डा जस्ट आपका हो जाएगा लैम्डा इंटू वी बाई सी, है ना, तो ये जो फॉर्मूला है चेंज इन वेवलेंथ का इसी को हम डॉपलर शिफ्ट बोलते हैं, है ना, तो जो एक्चुअल वेवलेंथ और अपेरेंट वेवलेंथ का डिफरेंस होगा दिस इज नोन एज ए डॉपलर शिफ्ट, है ना, और डॉपलर शिफ्ट से ही नॉर्मली हम ये स्पीड निकाल लेते हैं सोर्स से, अगर डॉपलर शिफ्ट आपको पता है तो वी कैन फाइंड आउट द स्पीड ऑफ सोर्स, अगर डॉपलर शिफ्ट पता है दिस इज यूज टू डिटरमिन स्पीड ऑफ सोर्स, स्पीड ऑफ सोर्स, अगर आपको ये पता चल जाए कि डॉपलर उसके मोशन की वजह से एक्चुअल वेवलेंथ और अपेरेंट वेवलेंथ में इतना चेंज हो रहा है ना, चाहे वो वायलेट की तरफ चेंज आए चाहे रेड की तरफ आए, तो आपको पता है एक्चुअल वेवलेंथ तो पता ही होगा आपको, स्पीड ऑफ लाइट भी पता होता है, और अगर ये डेल्टा लैम्डा आ जाए तो हम वी की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना, तो जो भी स्पीड ऑफ जो लाइट का सोर्स होता है उसकी स्पीड निकालने के लिए हमें डॉपलर शिफ्ट यूज करते हैं, है ना, कि डॉपलर शिफ्ट का एप्लीकेशन यही है कि जो सोर्स जो लाइट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी क्या स्पीड होगी, तो उसके लिए डॉपलर शिफ्ट से हम उसको एसेस कर लेते हैं, है ना, तो इसको आप लिख लो थोड़ा सा, है ना, ये इस तरह से आपका जाएगा, ये ई है बेटा, ई मैं लिखता हूं ऐसा हूं, डॉपलर डॉपलर ई आर है हर जगह पे, दिस इज नोन एज ए डॉपलर शिफ्ट, ई होगा ऐसा, ये लिख लो ऐसा, दिस इज नोन एज ए डॉपलर शिफ्ट, ये आप इसको लिख लो, दिस इज योर पेज नंबर टू, तो ये आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है लैम्डा इंटू वन माइनस वी बाई सी, और दूसरा ये भी फॉर्मूला याद रखना है कि जो डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला क्या होता है, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डॉपलर शिफ्ट, है ना, कि जो डॉपलर शिफ्ट होगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, है ना, तो फॉर्मूला फॉर डॉपलर शिफ्ट इसकी याद नहीं होगी,
नहीं, फ्रिंज वेड्थ जिसका वेवलेंथ ज्यादा होगा उसकी फ्रिंज वेड्थ ज्यादा होगी बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। तो राइट की अगर वेवलेंथ ज्यादा होती है तो उसकी फ्रिंज वेड्थ भी ज्यादा होगी, मिनिमम क्यों होगी ना, जिस कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है उसकी फ्रिंज वेड्थ भी ज्यादा होती है। सही है, ये आपका जगह से ये लिख लो। आपको आपको दो फॉर्मूला जानना है, एक तो जब टूअर्स से केस होगा तो अपरेंट वेवलेंथ कितना होगा, और इसी को यूज करके डॉक्टर शिफ्ट कितना होगा, ये आपको याद रखना है सीधे से। ठीक है, क्या कहा गया इस तरह से। इसके बाद हम आते हैं जो नेक्स्ट चीज है आपकी, दैट इज योर, अगर सोर्स है हाँ, जो बॉक्स में लिखा है उसको याद रखना आपने, कि जो बॉक्स में फॉर्मूला लिखा है उसको आपको मेमोराइज करना है, ये आपका है ना। तो नेक्स्ट जो चीज आ जाती है कि ये तो सोर्स टुवर्ड्स मूव कर रहा था है ना, सेकेंड केस जो हम इसका पढ़ते हैं इसमें दो ही केस होते हैं और जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, कि भाई सोर्स ऑफ लाइट जो होगा वो अवे मूव करता है, सोर्स ऑफ लाइट है ना मूव्स अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर। है ना, कि जो सोर्स ऑफ लाइट है ये स्टेशनरी ऑब्जर्वर से अवे मूव कर रहा है, मतलब जो भी सोर्स ऑफ लाइट की स्पीड होगी वी वेरी वेरी लेस देन सी है, लेकिन ये अवे मूव कर रहा है ना। तो सिंपल सा इस केस में ऐसा हो जाएगा कि बेसिकली आपका ये कोई सरफेस है और इसमें आप सोर्स ऑफ लाइट अवे जा रहा है, ये आपका कोई ऑब्जर्वर हो गया जो कि रेस्ट पे है, और यहाँ पे आपका कोई सोर्स ऑफ लाइट है जो किसी वी से इस तरफ जा रहा है। तो इसने किसी एफ फ्रिक्वेंसी का लाइट इमिट की जो कि स्पीड ऑफ लाइट से ऑब्जर्वर की तरफ मूव करेगी, तो इसको एफ की नहीं दिखाई देगी ड्यू टू रिलेटिव मोशन, इसको एफ डैश की दिखाई देगी, है ना। तो मतलब इस केस में अपरेंट फ्रिक्वेंसी जो होती है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे आ गया कि जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी होगी जस्ट अपोजिट फॉर्मूला होता है, इस केस में जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी एफ डैश होगी ये आपकी हो जाएगी एफ इंटू वन माइनस वी बाई सी, ये आपका जाएगा। तो इसमें आपका यहाँ पे माइनस आ जाएगा, मतलब जो एफ डैश की वैल्यू होगी वो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी से कम हो जाएगी। वो तो होता ही है साउंड में भी, ये साउंड में भी जब टूअर्स का केस होता है तो फ्रिक्वेंसी बढ़ती है, अवे का केस होता है तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है, कम होती है ना। लेकिन वही बात है कि आपका जो मेन कंसर्न होता है वो एपरेंट वेवलेंथ से होता है, एपरेंट वेवलेंथ से है ना। तो अगर फ्रिक्वेंसी आपकी कम हो रही है तो वेवलेंथ इंक्रीज होता है, यहां से जो लैम्डा डैश की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी लैम्डा इंटू वन प्लस वी बाई सी, है ना। मतलब अपरेंट वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल वेवलेंथ से ज्यादा हो जाती है ना, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगा ना, इसलिए ऐसा होता है कि स्पीड ऑफ लाइट तो सेम ही रहती है, तो फ्रिक्वेंसी अगर डिक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अब आपको जो फॉर्मूला इसमें मेमोराइज करना है ना, वो फ्रिक्वेंसी वाला नहीं, ये जस्ट वेवलेंथ वाला मेमोराइज करना हो, फ्रिक्वेंसी जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये आपको याद करना है। तो दो ही फॉर्मूला है इसमें फिलहाल, एक आपका अगर टूअर्ड्स का केस है तो यहाँ पे आपका वन माइनस वी बाई सी हो जाएगा, है ना, और अगर अवे का केस है तो यहाँ पे वन प्लस वी बाई सी हो जाएगा, वेवलेंथ के फॉर्मूले में। फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा, उसमें प्लस की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे, माइनस पुट कर लेंगे, है ना, कि उसकी जगह पे, हाँ बिल्कुल सही है, उसकी जगह पे प्लस की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, हाँ रेस्ट पे ऑब्जर्वर है ना, कि भाई रेड पे जो है वो ऑब्जर्वर हो जाएगा ना, तो आप आ जाएगा। तो वेवलेंथ जो होगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला जस्ट आपको याद रखना है ना, क्वेश्चन में दिया होगा कि टूअर्ड्स एंड का केस है या अवे का केस है, तो जो टूअर्ड्स का केस है उसमें बीच में यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा और अवे वाले केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस साइन आ जाएगा, है ना। और ऑब्वियस बात है, वही बात है कि वेवलेंथ इंक्रीज डिक्रीज के टर्म्स में आप प्लस माइनस याद कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया है कि जस्ट हम बोल सकते हैं कि सिंस, सही बोल रहे हैं, इसी को हम रेड शेड बोलते हैं, सिंस
लैम्डा डैश इज ग्रेटर देन लैम्डा, किस केस में वेवलेंथ बढ़ रहा है ना, कैपलेंथ वेवलेंथ बेसिकली ज्यादा है, सो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन ऑफ रेडिएशन है ना, कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन होगा फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, कि जो स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन है फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ स्पेक्ट्रम है ना, कि शिफ्ट टुवर्ड्स द रेड एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट, दिस इज कॉल्ड रेड शिफ्ट है ना, चूंकि वेवलेंथ बढ़ रहा है तो आपको पता है वेवगियर में जब जैसे हम वॉयलेट से रेड की तरफ जाते हैं तो वेवलेंथ बढ़ता है, तो इसमें जो स्पेक्ट्रम होगा वो रेड की तरफ शिफ्ट होगा, तो जब रेड की तरफ शिफ्ट होगा तो इसी को हम क्या बोलते हैं सिंपली आपका रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट कितना होगा वही जितना वॉयलेट शिफ्ट होता है, शिफ्ट की वैल्यू तो सेम ही रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डॉपलर शिफ्ट है ना, कि भाई डॉपलर शिफ्ट की वैल्यू कितनी होगी, तो डॉपलर शिफ्ट का होता है डेल्टा लैम्डा निकालना, यहीं से निकाल लेंगे डेल्टा लैम्डा की वैल्यू, अब लैम्डा डैश माइनस लैम्डा हो जाएगी, आएगा सेम लैम्डा इंटू वी बाई सी, तो शिफ्ट तो दोनों में सेम ही होता है ना, कि शिफ्ट दोनों में क्या होता है इसलिए आपका सेम होता है ना, बस वही कि या तो वो जब टू आवर्स का केस होगा तो स्पेक्ट्रम वॉयलेट या ब्लू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और जब अवे का केस होगा तो स्पेक्ट्रम रेड की तरफ शिफ्ट होगा है ना, तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं इसलिए आपका डॉपलर शिफ्ट है ना, यही आपको फॉर्मूला थोड़ा सा मेमोराइज कर है ना, तीन फॉर्मूले हैं टू आवर्स अवे एंड डॉपलर शिफ्ट, डॉपलर शिफ्ट दोनों के लिए सेम ही है लैम्डा वी बाई सी, तो उसको हम बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट, वो डेरिवेशन में यूज होता है बेटा, वो डेरिवेशन में यूज होता है, कि अगर स्पीड सोर्स की बहुत ज्यादा होगी ना तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे कि चेंज आया है, मतलब वेरिएबल फ्रिक्वेंसी आने लगेगी, फिर जब तक वो फ्रिक्वेंसी पहुंचेगी ऑब्जर्वर तक तब तक दूसरी फ्रिक्वेंसी भी आ जाएगी, वो उसको हम बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे अगर स्पीड ज्यादा होगी ऑब्जर्वर की, तो है ना यहाँ पाएगा, हाँ इसी को हम बोलते हैं रेड शिफ्ट, तो ब्लू शिफ्ट या एक चीज ध्यान रखना कि वॉयलेट शिफ्ट को कई कई बुक्स में ना ब्लू शिफ्ट के नाम से भी दिया होता है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि भाई इसी का वर्ड जो है ना दिस इज समटाइम्स नोन एज अ ब्लू शिफ्ट ऑल्सो है ना, क्योंकि ब्लू की तरफ भी अगर जा रहा है तो वेवलेंथ कम ही होता है, तो ब्लू और वॉयलेट शिफ्ट एक ही चीज होती है ना, तो ब्लू और वॉयलेट शिफ्ट जो होती है वो सेम चीज होती है आपकी, यही आपको थोड़ा सा चीजें जाननी है। नहीं एंड पे ही होता है, बाकी शिफ्ट नहीं होते हैं नॉर्मली, जो शिफ्ट होता है ना ऑब्जर्वेबल तभी होगा जब वो स्पेक्ट्रम के एंड पे जाए, तो यूजली या तो वॉलेट शिफ्ट होगा या रेड शिफ्ट होगा, मतलब जैसे आपको पता है कि जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का जो आप इमिशन स्पेक्ट्रम बनाते हो डॉपलर शिफ्ट सेम ही रहती है ना, शिफ्ट का फॉर्मूला तो सेम ही है, डेल्टा लैम्डा की वैल्यू दोनों के इसमें सेम ही है, डेल्टा लैम्डा में कोई डिफरेंस नहीं है, है ना, तो जैसे आप जानते हो कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होता है उसमें तो वैसे स्पेक्ट्रम में बहुत सारी वेवलेंथ होती है, लेकिन विजिबल वेवलेंथ भी होती है जिसको कि हम बॉमर सीरीज बोलते हैं, है ना, तो आपने देखा कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से जो इमिट हो रहा है, सपोज कोई किसी केस में आपका ग्रीन कलर की लाइट इमिट हो रही है ना, कि कोई भी अगर हम हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम ले लें, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम, अगर आप हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम किसी ऑब्जर्व करते हो और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में अगर बार्मर सीरीज से इमिट हो रहा है तो इसको हम बोल सकते हैं बेसिकली आपका सपोज आपकी ग्रीन लाइट इमिट हो गई है ना, कि आपने ऐसा ऑब्जर्व किया कि इमिशन स्पेक्ट्रम से ग्रीन लाइट आ रही है, कि जैसे भी ट्रांजिशन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ग्रीन लाइट आ रही है आपकी,
बेटा ब्लू शिफ्ट मैंने वॉलेट शिफ्ट की जगह पे ही लिख दिया है, कई बुक में इसी वॉलेट शिफ्ट को वो ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, एक ही चीज होता है, वॉलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट सेम चीज होती है ना, ये आपका कैसे। तो जैसे आपने बोला ग्रीन लाइट आ रहा है, लेकिन ऑब्वियस बात है कि जो हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम जिस सोर्स से हो रहा है ना, कि अगर सोर्स ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो है ना, अगर ये वी से जिससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हो रहा है, इमिट हो रहा है, अगर वो सोर्स वी से किसी ऑब्जर्वर की तरफ जाने लगे है ना, तो जो ग्रीन लाइट है ना, ये हो सकता है इस ऑब्जर्वर को ब्लू दिखाई देगी, है ना, ब्लू दिखाई देगी, तो इससे गेस कर सकता है ना कि ये मेरी तरफ आ रहा होगा, तो मतलब इस केस में ब्लू शिफ्ट हो रहा होगा, ग्रीन लाइट ब्लू दिखाई देने लगेगी। अगर यही सोर्स बेसिकली जिससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम इमिट हो रहा है, अगर अवे जाने लगे किसी भी से, तो सेम ऑब्जर्वर को हो सकता है रेड दिखाई देने लगेगा, तो यही शिफ्ट होता है। एक्चुअल तो वो जो भी आपके हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम से वेवलेंथ इमिट हो रही है वो ग्रीन इमिट हो रही है, लेकिन मोशन की वजह से ये अलग अलग कलर की अपीयर्स हो सकती है, तो इसी को हम ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट बोलते हैं, है ना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसलिए आपका ब्लू शिफ्ट एंड रेड शिफ्ट। तो अगर कितना शिफ्ट हो गया ये पता है, तो हम इससे वी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, डायरेक्शन तो पता चली गया है, डायरेक्शन तो पहले पता चल जाएगा कि अगर स्पेक्ट्रम ब्लू की तरफ जा रहा है तो टूअर्स केस होगा, और अगर स्पेक्ट्रम रेड की तरफ जा रहा है तो अवे का केस होगा। एग्जैक्टली कितनी स्पीड होगी ये भी हम निकाल सकते हैं, है ना, अगर आपको डेल्टा लैम्डा पता है, ये शिफ्ट होके जो चेंज इन वेवलेंथ अगर आपको पता चल गया, तो उससे हम वी भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक्चुअल वी स्पीड कितनी होगी, है ना। तो कई जो स्टार या गैलेक्सीज होती है ना, उसकी स्पीड कैलकुलेशन करने के लिए हम यही यूज करते हैं डॉपलर शिफ्ट, है ना, कि सिंपल सा हम यहाँ पे एक वर्ड लिख सकते हैं कि डॉपलर शिफ्ट इज यूज टू डिटरमिन स्पीड ऑफ डिस्टेंस स्टार और गैलेक्सी, डिस्टेंस स्टार और गैलेक्सी, है ना, कि गैलेक्सी एंड स्टार अगर हमारे से रिसीड हो रहे हैं तो कितनी स्पीड से रिसीड हो रहे हैं, उसके लिए हम डॉपलर शिफ्ट यूज कर लेते हैं, है ना। हम बोलते हैं ना यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, वो एक्सपैंड कैसे बदला हो रहा है, क्योंकि मोस्टली हम रेड शिफ्ट ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जो भी हो रहा होगा अवे जा रहा होगा हमारे से, है ना, तो हम बोल रहे हैं एक्सपैंड होकर सब चीज़ें रिसीड हो रही हैं हमसे, है ना, तो वो सब चीज़ें जो फिनोमेना है वो आपका, हाँ बेटा जो रेस्ट पे वो आई है, ऑब्जर्वर का मतलब आई होती है कि जो रेस्ट पे है ना, दिस इज ऑब्जर्वर, है ना, ये ऑब्जर्वर जो देख रहा है, ये सोर्स है जो लाइट इमिट कर रहा है ना, कि जो लाइट इमिट कर रहा है वो, अभी न्यूमेरिकल से आप समझ जाओगे, अभी आप इसको ऐसा लिख लो, न्यूमेरिकल से आएगा तो समझ जाओगे, हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम वाला केस, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना तो विल गेट टू। V velocity of light नहीं है बेटा, V is the velocity of source, source की velocity V है, है ना, कि जो V है वो velocity of source है, कि जो source produce कर रहा है उसकी velocity V है, C is the velocity of light, C symbol हम velocity of light के लिए use करते हैं।
ठीक है, आप सॉल्व करोगे तो आपको ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, है ना। मेनली जो स्पीड निकालते हैं ना किसी भी स्टार या गैलेक्सी की, उसके हाइड्रोजन इमिशन स्पेक्ट्रम को ही ऑब्जर्व करके निकालते हैं, है ना। तो मैं बताता हूँ क्या है बेसिकली आपको, उससे जस्ट आई विल शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स, उससे हम समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, यू कैन गो फॉर दिस क्वेश्चन। एक्चुअल वेवलेंथ तो यही है, इसने बोला है ना कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द वेवलेंथ ऑफ एच अल्फा लाइन, कि भाई अर्थ में अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हम ले लें तो वो 600 506 नैनोमीटर होती है, यही लैम्डा है। लेकिन जब वो डिस्टेंस गैलेक्सी जो मूव कर रही होती है उससे जो लाइन ऑफ वेवलेंथ है वो लैम्डा डैश है, तो आपको गैलेक्सी की स्पीड बतानी है कितनी होगी, है ना, कि गैलेक्सी की स्पीड क्या होगी आप इससे कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ शालिनी, आपका आंसर सही है।
नहीं नहीं मैं एक मिनट चेक कर लेता हूँ आंसर इसका, है ना, कि जो इसका आंसर है, लेट मी चेक। दिशा एंड सुद्रा, अभी चेक करके पाते हैं। तो कैलकुलेशन ही है, बाकी तो सब कुछ पता ही है तो उसमें। Someone's mic is on. हाँ सही है सिद्धांत, योर आंसर इज करेक्ट। अश्मित सिद्धि, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ सही है भूमि, आंसर सही है आपका। राजदीप आपका आंसर सही है, सही है। तो सीधे आपको डिसाइड करना और फॉर्मूला अप्लाई करना है कि कौन सा केस है और फॉर्मूला क्या होगा इसका, तो इजली आपका इसका आंसर आ जाएगा। हिमांशु सही है आपका आंसर। मैं अभी बताता हूँ आपको, नोट्स रिफर नहीं करना पड़ेगा, आपको नोट्स रिफर करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आपको अभी मैं बताता हूँ कि किस तरह से नोट्स रिफर नहीं करोगे आप इसे, उसके बिना भी कर सकते हो आप इसे, है ना, कि नोट्स रिफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। है ना, हाँ रिया सही आपका आंसर। कुछ नहीं, देखो क्या हो रहा है कि एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा है, ये लैम्डा डैश है, तो सबसे पहले आप लिख लो लैम्डा डैश इज मोर देन लैम्डा, मतलब वेवलेंथ बढ़ रहा है ना। वेवलेंथ बढ़ने का मतलब है कि दिस इज कॉल्ड एज अ रेड शिफ्ट, है ना, कि रेड शिफ्ट, और रेड शिफ्ट का मतलब होता है मूविंग अवे, ये तो होता है कि अगर ये चीज बदल गई तो ये रेड शिफ्ट है, मतलब अवे जा रहा होगा, और जब अवे जा रहा होगा तो आपको पता है वेवलेंथ अगर बढ़ रहा है तो लैम्डा डैश का फॉर्मूला सीधे आप लिख लो कि लैम्डा इंटू वन प्लस वी बाई सी हो जाएगा, क्योंकि जब इंक्रीज हो रहा है वेवलेंथ है, आप बीच में साइन प्लस आ जाएगा ना, बस हो गया। ये लिखा रेड शिफ्ट है मूविंग अवे लिख दिया, और फिर फॉर्मूला सीधे लिख दिया इंक्रीज हो रहा है, तो बस इसमें वैल्यूज आप पुट कर दो। एक्चुअल जो अपरेंट वेवलेंथ है वो 706 है, एक्चुअल वेवलेंथ आपका 656 है, इंटू वन प्लस वी बाई सी, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ होता है, बस इससे आप ये निकाल लो, तो जो v की वैल्यू आएगी ना वो 2 × 10⁷ आ जाएगी मीटर पर सेकंड, मीन्स बी ऑप्शन इज द करेक्ट, है ना, कि बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इतना सही है आपका आंसर, बी फॉर बॉम्बे ऑप्शन इज करेक्ट आ जाएगा। तो कहाँ याद करना है आपको मुझे बताओ, किसी नोट्स को रेफर करने की क्या जरूरत है। वेवलेंथ बढ़ रहा है, रेड शिफ्ट होगा मूविंग अवे, और बढ़ेगा तो प्लस में प्लस साइन ही आएगा, तो सीधे आपका आ गया आंसर, तो दिस वे कैन अंडरस्टैंड। तो हाइड्रोजन वही स्पेक्ट्रम के लाइन्स है ना, हम इसको स्पीड किसी भी गैलेक्सी या स्टार के निकाल सकते हैं उसको ऑब्जर्व करके, वे अर्थ में इतना आती है, मैं उस स्टार से मैं ले रहा हूँ तो इतनी आ रही है, तो डिफरेंस जो आ रहा है वो स्पीड की वजह से तो आ रहा है, रिलेटिव मोशन की वजह से, तो हम कर सकते हैं, है ना, तो इसको सॉल्व करोगे तो रिलेटिव आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन होता है, फर्क ये होता है कि आपको आता है या नहीं आता है, है ना, कि ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। ओके ये देख लीजिएगा सर,
हाँ सही सिद्धांत राजदीप, सही आंसर आपका शालनी, और आंसर इज करेक्ट, भूमि सही है आपका आंसर, है ना, दिशा सही है, ठीक है, सबका आंसर सही है इसमें। हाँ सही है, सिद्धि, अथर्वा, इकरा, इकरा थोड़ा देखो जरा, इकरा एंड संचिता अपने आंसर चेक करो, अश्मित सही है, आर्या, रिया सब सही है, हाँ आप सही है, इकरा आपका आंसर है ना सही है, इसमें तो कुछ सोचने नहीं आपको। देखो क्या हो रहा है, टुवर्ड्स द ब्लू जा रहा है, मतलब ये ब्लू शिफ्ट है, मतलब ये केस किसका है, ब्लू शिफ्ट का केस है, तो ब्लू शिफ्ट का मतलब एपरेंट वेवलेंथ कम होती है, और एपरेंट वेवलेंथ कब कब होगी, जब मूविंग टुवर्ड्स होगा, मूविंग टुवर्ड्स, एपरेंट वेवलेंथ कब कम होती है, जब मूविंग टुवर्ड्स का केस होता है, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, सीधे हम टिक कर देंगे इसे, ना तो सी ऑप्शन आ जाएगा, है ना, अगर मूविंग अवे होता है तो रेड शिफ्ट होता है ना बेटा, जब मूविंग अवे होता है तो रेड शिफ्ट होता है, इसमें तो ब्लू शिफ्ट हो रहा है, बस हो गया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, करेक्ट ऑप्शन सी है बेटा, सी बताया था मैंने, सी ऑप्शन है, मूविंग टुवर्ड्स स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ, सी ऑप्शन है, सॉल्व दिस क्वेश्चन। सर एक बार प्रीवियस क्वेश्चन दिखाओ ना,
इकरा, राजदीप एंड भूमि आपके आंसर सही है। सुधरा सही है, दिशा सही आंसर आपका, हिमांशु सही है। अश्मित सही है। रिया सही है, अथर्व सही है ना, रिया अथर्व सबका सही है ना, सही है, ठीक बता रहे हो आप इसका आंसर। इसका जो आंसर सही है दैट इज डी फॉर दिल्ली, ऑप्शन इज करेक्ट है ना, नहीं सी नहीं बेटा, डी सही है। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये 5 ओम स्ट्रॉन्ग आपको डॉपलर शिफ्ट है ना, डेल्टा लैम्डा दिया हुआ है आपको, तो अभी तो आपके पास फॉर्मूला पता होता है कि डेल्टा लैम्डा का, तो किसी भी केस में फॉर्मूला सेम ही होता है, लैम्डा इंटू वी बाई सी, तो डेल्टा लैम्डा आपका 5 ओम स्ट्रॉन्ग है, एक्चुअल वेवलेंथ आपका 6593 है, वी आपको कैलकुलेट करना है बाई आपका स्पीड ऑफ लाइट आपको पता ही होती है, तो जिसको आप अटेंड करोगे तो डी ऑप्शन आ जाएगा। और बस एक चीज है कि ये इस फॉर्मूले में तो रेड या ब्लू शिफ्ट का फॉर्मूला सेम ही होता है ना, लेकिन इसने बोला रेड शिफ्ट है ना, रेड शिफ्ट है मतलब जो स्टार है वो रिसीडिंग फ्रॉम द अर्थ हो जाएगा, ये दूर जा रहा होगा, क्योंकि रेड शिफ्ट में जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो भी मूव करती है ना, तो इससे डी ऑप्शन आ जाएगा है ना, तो डी फॉर दिल्ली ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। नहीं वो डेल्टा लैम्डा होता है, मतलब लैम्डा क्यों लेंगे उसे हम, बाय 5 डेल्टा लैम्डा होता है ना, शिफ्टेड बाय, शिफ्टेड बाई का मतलब वो डेल्टा लैम्डा हो जाएगा ना, तो लैम्डा फ्री होगा, शिफ्टेड बाई इसने वर्ड यूज किया है ना, वो तो अपरेंट होता है जो लैम्डा डैश होता है, जो उतना दिखाई दे रहा है शिफ्ट जो होता है वो डेल्टा लैम्डा होता है ना, ये आपका इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है नहीं। तो जो 3 क्वेश्चन मैंने किए हैं उसके आंसर मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, तो पहले का आंसर जो था वो बी ऑप्शन सही था, बी फॉर बॉम्बे, है ना, इसका जो आंसर सही है ये वाला स्टार इज कमिंग टुवर्ड्स द टूअर्स जा रहा था ब्लू शिफ्ट में, और इस का आंसर अभी मैंने बताई आपको कि इसका जो आंसर सही है दैट इज 2.29, डी ऑप्शन इज करेक्ट है ना, तो ये आपका आंसर था, तो यही होता है डॉपलर शिफ्ट या डॉपलर इफेक्ट है ना, इसमें से ज्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना आपको, और कुछ याद करने की जरूरत नहीं, अपने आप ही सारी चीजें आती जाएंगी है ना। अब हम आ जाते हैं, देखो कुछ और थ्योरिटिकल चीज बची हुई है उसको भी जान लेना सही रहता है, कई बार क्या होता है ना वो टर्म यूज हो जाता है हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होती है, तो बहुत इजी होने के बावजूद भी हम उसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, तो कुछ आपके जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ये लास्ट चीज है, ये भी एक्स्ट्रा ही है इनफैक्ट, अगर नहीं भी पता हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूला तो YDSC के ही यूज होते हैं है ना। अब यहाँ पे आ जाता है, हाँ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, और मतलब नेक्स्ट क्लास एक रिविजन क्लास रख लेंगे है ना, फिर बस खत्म, या पाएगा सर हाँ टॉपिक को लगेगा अभी टाइम, टॉपिक को लगेगा टाइम है ना, ये आपका आ गया इस तरह से, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं बेसिकली आपका, कितना पूछ रहे हो यार तुम लोग, कम पूछो
बार बार वो चैट बॉक्स में जाना पड़ता है मुझे, है ना। यहाँ पे आ गया इस तरह से आपका। जो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ते हैं, जैसे अभी तक आपने जो ना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की, आपने थ्री एक्सपेरिमेंट, तीन फिनोमेना पढ़े थे एक्सपेरिमेंट के। पहला आपने पढ़ा वाई डी एस सी, ये इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट है, दिस इज द एक्सपेरिमेंट फॉर इंटरफेरेंस। दूसरा आपने पढ़ा था सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन, है ना, कि सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन का आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा। और तीसरा चीज आपने पढ़ लिया पोलराइजेशन, है ना, क्योंकि नॉर्मली हम वेव ऑप्टिक्स में तीन ही फिनोमेना तो पढ़ते हैं, इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन। लेकिन वही है ना कि यंग्स वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डेमोंस्ट्रेट द इंटरफेरेंस पैटर्न। यंग फर्स्ट साइंटिस्ट था, लेकिन वही नहीं था, और लोगों ने भी दिमाग लगाया कि भाई जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है ना, उसको हम कैसे ऑप्टेन करें। तो आपको कुछ इंटरफेरेंस के दूसरे एक्सपेरिमेंट भी पढ़ने पड़ते हैं, जो कि न्यूमेरिकल्स में कई बार आपको वो वर्ड मेंशन होता है। तो जो पहला एक्सपेरिमेंट हम पढ़ते हैं, इस टॉपिक का नाम है अदर इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट, है ना। एक से एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया इसके ऊपर। तो भाई यंग्स ने तो बता दिया कि भाई बहुत दिनों से जो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी चल रही थी, उसको उसने चैलेंज किया और बता दिया कि भाई नहीं, वो सही नहीं है, बल्कि वेव के लाइट का नेचर वेव नेचर होता है, और उसने डिमॉन्स्ट्रेट कर दिया कि इंटरफेरेंस हो रहा है। लेकिन बाकी साइंटिस्ट ने भी इसी को टेस्टिफाई किया कि भाई बाकी भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट जो होता है दूसरे एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस में, उसको हम बोलते हैं लॉयड मिरर। लॉयड्स मिरर, है ना, कि लॉयड इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसने मिरर को यूज करके इंटरफेरेंस को डेमोन्स्ट्रेट किया था, तो इसलिए इस एक्सपेरिमेंट को वी कॉल इट एज ए लॉयड मिरर। हाँ, तो लॉयड मिरर में कुछ नहीं है, उसने बड़ा सिंपल सा एक सेटअप लिया। और भाई यहाँ पे एक प्लेन मिरर रख लिया ऐसे, दिस इज ए प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर से, है ना, कि आपका कोई प्लेन मिरर है और इस प्लेन मिरर के सामने कोई स्क्रीन है आपकी, ऐसे इस तरह से बेसिकली आपकी कोई स्क्रीन है, और यहाँ से कोई सोर्स ऑफ लाइट आप ले लो, ये दिस इज ए सोर्स ऑफ लाइट एस वन है, है ना। अब इससे इंटरफेरेंस कैसे होगा, ये तो आपकी स्क्रीन है जिसकी पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टेन करना है। तो इंटरफेरेंस ऐसा होता है कि कोई भी अगर मैं पी पॉइंट ऑब्जर्व करूं, तो एक तो सोर्स एस वन से लाइट डायरेक्ट पहुंच जाएगी, पी पॉइंट पे पहुंच गई, और एक आपकी रिफ्लेक्ट होके आएगी, एक जो लाइट होगी वो क्या होगी, इसलिए आपके रिफ्लेक्ट होके आएगी। तो एक तो डायरेक्ट पहुंच गई, और दूसरी कैसी आएगी, थ्रू बेसिकली आपका रिफ्लेक्शन के बाद, है ना, कि रिफ्लेक्शन के बाद आ गई, है ना। तो अल्टीमेटली आप देखो सोर्स अल्टीमेटली तो सेम ही है ना, कि S1 से सीधी गई और S1 से रिफ्लेक्ट होके आई, तो यहाँ पे सुपर पोजिशन होगा, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स तो सेम ही है ना, तो कोहेरेंट होगा। और यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, इंटरफेरेंस पैटर्न, यहाँ पे हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, इंटरफेरेंस पैटर्न, है ना, कि भाई सोर्स अल्टीमेटली तो सेम ही है, तो कोहरेंट होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसलिए आपका इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टेन करते हैं। और इसका भी फॉर्मूला सेम होगा जो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का फॉर्मूला है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है ना। अब अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ यहाँ पे पार्ट डिफरेंस कितना होगा, कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द पार्ट डिफरेंस, कि भाई एस वन से सीधे लाइट गई और रिफ्लेक्ट होकर वापस आई, तो इन दोनों में पार्ट डिफरेंस कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स, है ना। तो देखो मैं पार्ट डिफरेंस कैसे लिखूंगा, मैं बोलूंगा ये पाथ लंबा है ना जो रिफ्लेक्शन वाला है, जो रिफ्लेक्शन वाला पाथ है वो क्या है, बेसिकली आपका थोड़ा सा बड़ा है, है ना। तो जब मैं पार्ट डिफरेंस यहाँ पे लिखूंगा डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू जस्ट मैं ये लिखूंगा कि एस वन से कहीं ओ पे स्ट्राइक की लाइट और ओ से पी पे गई, तो पार्ट डिफरेंस आपका हो जाएगा एस वन ओ प्लस ओ पी प्लस लैम्डा बाई टू, ये हो जाएगा पार्ट, माइनस एस वन पी, ये तो पार्ट डिफरेंस होगा, ये आप ध्यान रखना, माइनस क्या हो जाएगा, एस वन पी हो जाएगा, है ना। ये थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, कि भाई सबसे पहले आपका एस वन पी तो ये हो गया, एस वन से ओ पे गई, ओ से पी पे गई, तो इसका पाथ एस वन ओ प्लस ओ पी आ गया,
प्लस एक लैम्डा बाई टू क्यों किया मैंने, कोई इसका आंसर बता सकता है क्या कि वाई लैम्डा बाई टू? फिर एस वन पीस को माइनस कर दिया मैंने, ये लैम्डा बाई टू क्यों किया मैंने यहाँ पे? हाँ, फेस चेंज होता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि जब भी लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होती है, व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर, फ्रॉम मिरर, देन फेस चेंज ऑफ पाई पाई और पाथ चेंज ऑफ और पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू इज इंट्रोड्यूस्ड, व्हेन लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द मिरर देन फेस चेंज ऑफ पाई और पाथ डिफरेंस ऑफ लैम्डा बाय टू क्या हो जाता है, इसलिए आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है, हाँ। तो ये हम इस तरह से कर सकते हैं, तो आपका आ जाएगा इस तरह से कि S1 से P पे पहुंचे, S1 से O से P पे पहुंच गया आप इसमें, इसको आप, अब एक चीज है कि ये लैम्डा बाई टू इसलिए मैंने लगा दिया क्योंकि यहाँ पे मिरर से रिफ्लेक्शन हो रहा है। अब इसी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, मैं बोलूंगा कि अगर मैं इसको पीछे ले जाऊं ऐसे तो यहाँ पे S1 का इमेज ही तो बन जाएगा, इसको S2 बोल सकते हैं। तो मैं बोलूंगा दो सोर्स क्या है, एक S1 है और एक इसकी इमेज सोर्स है जो वर्चुअल सोर्स है, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान दो कि जो S1 होगा और S2 होगा वो तो सेम ही होंगे, तो यहाँ पे इसी पार्ट डिफरेंस को मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि S1 O को मैं लिख सकता हूँ S2 O प्लस OP प्लस लैम्डा बाई टू माइनस S1 P, और S2 O प्लस OP जो होगा ये आपके S2 P के इक्वल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पार्ट डिफरेंस की वैल्यू ये होगी, ये S2 P प्लस लैम्डा बाई टू माइनस S1 P, ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, हाँ। कि भाई इसमें सोर्स हम क्या ले लेंगे, एक तो सोर्स आई उसकी जो वर्चुअल इमेज है वो दूसरी सोर्स हो गई, उन दोनों का सुपर इम्पोजिशन हो रहा है वहां पे। अब आपको पता है कि जो पार्ट डिफरेंस आपने यहाँ पे निकाला है डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू द एस टू पी प्लस लैम्डा बाई टू माइनस एस वन पी, अगर ये पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा के इक्वल हो जाए तो वहां पे मैक्सिमम फॉर्म हो जाएगा, और अगर ये पार्ट डिफरेंस टू एन माइनस वन लैम्डा बाई टू के इक्वल हो जाए तो वहां पे मिनिमम फॉर्म हो जाएगा, है ना। और स्क्रीन पे इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा, और उस इंटरफेरेंस पैटर्न की जो विड्थ होगी वो सेम होगी जो आपने वाईडीएसी फॉर्मूले में लिखा था, लैम्डा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, लैम्डा तो वेवलेंथ हो जाएगी, कैपिटल डी क्या हो जाएगा ये डिस्टेंस जहां पे आपने सोर्स रखा हुआ है, स्मॉल डी क्या हो जाएगा एस वन और जो उसकी इमेज है उसके बीच का सेपरेशन, है ना। तो अगर किसी भी केस में अगर आपको ये डिस्टेंस दिया हुआ है और सोर्स की लोकेशन दी हुई है, है ना, क्योंकि जितना ऊपर ऑब्जेक्ट होता है उतने भी नीचे इमेज बन जाती है, तो ये चीजें पता होगी तो फ्रेंच विड्थ भी हम बता सकते हैं। तो फॉर्मूला सारे आपको वाईडीएसी वाले यूज करने हैं, बस एक सेटअप का पैटर्न डिफरेंट हो, इसी को हम बोलते हैं लॉयड मिरर, है ना, कि दिस इज नोन एज ए लॉयड मिरर, ये आपका रहेगा। तो ऐसे भी इंटरफेरेंस हो सकता है, कोई जरूरी कि स्लेटी हो,
है ना, ये आपका है इस तरह से, ठीक है, ये आप निकल लिए। तो पहला जो आ गया दैट इज नोन एज ए लॉयड मिरर, है ना। तो थोड़ा सा ऐसा नहीं हो गया कभी अगर आपके पास लॉयड मिरर वर्ड यूज हो जाए तो आप घबरा जाओ, घबराना नहीं है, बस वो सेम फॉर्मूला यूज होता है, बस थोड़ा सा सेटअप डिफरेंट है। ये भी इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ही है ना। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट जो हम पढ़ते हैं यहाँ पे, वी स्टडी फ्रेशनल बाय प्रिज्म। यहाँ पे जो सेकंड एक्सपेरिमेंट आता है दैट इज योर फ्रेशनल बाय प्रिज्म। कि सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है दैट इज योर फ्रेशनल बाय प्रिज्म, है ना। जैसे उन्होंने मिरर यूज किया तो फ्रेशनल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट जिसने कि इंटरफेरेंस पैटर्न ऑब्टेन करने के लिए दो प्रिज्म यूज कर लिए, उसी लिए हम उसको बोलते हैं बाय प्रिज्म, है ना। तो उसका उनका सेटअप आपका ऐसा था कि राइट एंगल दो प्रिज्म ले लिए, है ना, कि इस तरह से आइडेंटिकल दोनों प्रिज्म ले लिए। मैं थोड़ा कलर अलग बना रहा हूँ ताकि आप दो प्रिज्म डिफ्रेंशिएट कर पाओ, है ना। तो एक मैं रेड कलर का प्रिज्म ले लेता हूँ ऐसा, और दोनों प्रिज्म को ज्वाइन कर दिया, है ना। इसी को हम बोलते हैं बाई प्रिज्म, कि दो प्रिज्म यूज कर लिया इसलिए वी कॉल्ड एज ए बाई प्रिज्म, है ना। ये आपका फ्रेशनल का एक्सपेरिमेंट जो था, ये आपका बाई प्रिज्म आ गया, और यहाँ पे कोई स्क्रीन आ गई, और इस जगह पे आप कोई सोर्स ऑफ लाइट रख दोगे, दिस इज द सोर्स ऑफ लाइट। तो क्या होगा ना कि ये जो सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट निकलेगी उसको ये प्रिज्म दो पार्ट में डिवाइड कर देगा, एक अपर प्रिज्म से पास होगी, एक लोअर से पास होगी, और दोनों का स्क्रीन पे सुपरपोजिशन हो जाएगा। तो इंटरफेरेंस पैटर्न हम इस केस में भी ऑब्जर्व करते हैं, है ना। मैं थोड़ा सा रे डायग्राम बना लेता हूँ, हालांकि रे डायग्राम बनाना इसका बड़ा मुश्किल काम है, कि एक सोर्स से लाइट गई ऐसे यहाँ पे स्ट्राइक की, है ना, और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अपर प्रिज्म से तो अपर प्रिज्म से डिफ्लेक्ट होके, क्योंकि प्रिज्म कोई भी लाइट को डेविएट कर देता है, तो अपर प्रिज्म से लाइट का डेविएशन हो गया आपका ऐसा, और डेविएट होके लाइट यहाँ पे चली गई, है ना। एक और आप ले लो ऐसे, एक और रे आप इस तरह से भी ले सकते हो, सॉरी ये अपर प्रिज्म लिया था ना मैंने, है ना। तो अपर प्रिज्म में को ब्लैक लाइन से यूज करो आप, ये आपका ऐसे। यहां से एक और ले लेते हैं, अपर प्रिज्म पे स्ट्राइक की, इसको भी ये डेविएट कर देगा, है ना, डेविएशन करके यहाँ पे चला गया ये, है ना। तो ये तो आपका अपर प्रिज्म ने दो रे हमको ले ली, उसको इसने डेविएट कर दिया, ऐसे लोअर प्रिज्म भी करेगा, है ना। तो लोअर प्रिज्म से जो लाइट की डायरेक्ट कलर है उसको हम रेड ले लेते हैं, है ना, कि इसने क्या किया लोअर प्रिज्म ने इसको डेविएट करके ऊपर ले गया ऐसे, है ना। और एक रे दूसरी हम ऐसे ले लेते हैं ऐसे, है ना, इसने भी इसको डेविएट कर दिया ऐसे, है ना। तो आप देखो कि दो जो यहाँ पे रे जो हो रही है आपस में कंबाइन ही तो हो रही है, और ऐसी तो नंबर ऑफ रेस बहुत होंगी, मैंने तो दो तीन ही बनाई है। तो जब ये होंगी तो सुपर पोजिशन हो जाएगा, और सुपर पोजिशन में अल्टीमेटली सोर्स तो सेम ही है तो कोहेरेंट भी होंगे, तो यहाँ पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इसलिए आपका इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस यहाँ पे पैटर्न आ जाएगा, है ना। अल्टीमेटली क्या होगा एक्चुअली में, कि जब हम इस स्लाइड को ऐसे पीछे प्रोसीड करेंगे, है ना, तो ये यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी, तो एक सोर्स वर्चुअल जो हो जाएगा वो S1 हो जाएगा, और जब हम इस लाइट को पीछे प्रोसीड करेंगे, है ना, जो लोअर प्रिज्म से रिफ्लेक्ट हुई है उसका एक सोर्स यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ये आपका S2 हो गया। तो अब हम बोलेंगे ये S1 S2 दो सोर्स है, और दोनों वर्चुअल सोर्स से लाइट यहाँ पे सुपर इम्पोज हो गई, फिर अल्टीमेटली एक ही सोर्स से डिवाइड तो हुई है, तो कोहेरेंट होंगी, मतलब यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न आ जाएगा। इसमें भी अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ स्क्रीन पे फ्रिंज विड्थ क्या होगा, तो फ्रिंज विड्थ आपका फॉर्मूला आप यही यूज कर लोगे, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, है ना, स्मॉल डी आपका ये हो गया, और कैपिटल डी जो सोर्स स्लिट्स होती हैं उससे स्क्रीन के बीच की सेपरेशन होगी। तो ये फ्रेशनल बाय प्रिज्म होता है, सारे फॉर्मूले जो आपने YDSE में यूज किए थे वो सारे यूज करने हैं, है ना, सेम फॉर्मूला एज इन YDSE, बस नाम अलग हो गया, एज इन YDSE, मतलब मेन पर्पज है सेम सोर्स की लाइट को दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि वो कॉरेंट हो और सुपर पोजिशन करके आपको इंटरफेरेंस प्रोड्यूस हो, है ना। तो ये होता है फ्रेशनल बाय प्रिज्म, इसको आप लिख लो।
फ्रेशनल 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 बाय प्रिज्म एनईएल फ्रेशनल बाकी स्पेलिंग चेक कर लेना, मैं यूजली बहुत बार गलत लिखता हूं। ठीक है, ये आपका गेस्ट है से। इंटरफेरेंस पैटर्न, दिस इज योर इंटरफेरेंस पैटर्न, ये आपका एक फ्रेशनल बाइप्रिज्म होता है। तो फ्रेशनल ने भी बताया भाई ऐसे भी कर सकते हैं, तो एक ने किसी ने डबल स्लिट यूज किया, वो यंग्स ने, आपके लॉयड ने मिरर यूज कर लिया, फ्रेशनल ने दो प्रिज्म यूज कर लिया। एक थर्ड आता है, वन साइंटिस्ट नेम इज बिलेट, स्पेलिंग वगैरह चेक करते रहना, बिलेट उसने लेंसेज यूज कर लिए, उसको हम बोलते हैं बिलेट स्प्लिट लेंस, है ना। तो बिलेट ने क्या किया कि एक दो लेंस को स्प्लिट करके यूज करके इंटरफेरेंस पैटर्न ऑप्टेन कर लिया। जैसे ही कोई लेंस है दो, इस तरह से कॉन्वेक्स लेंस है, इसको उसने क्या किया कि तीन पार्ट में स्प्लिट कर लिया, एक आपका अपर पार्ट, एक मिडल और एक लोअर पार्ट। तो जो अपर पार्ट था, है ना, उसको सपोज हम बोलते हैं ए, और ये बी और मिडिल पार्ट सी है। उसने क्या किया ना, ये जो मिडिल पार्ट था इसको रिमूव कर दिया यहां से, मिडिल पार्ट इज रिमूव, मिडिल पार्ट में थोड़ा सा पोर्शन कट करके बाहर निकाल दिया, और ए और बी को फिर ज्वाइन कर दिया, है ना। यहाँ पे ए और बी को क्या कर दिया, इसलिए आपके रिमूव करने के बाद ए और बी को ऐसे ज्वाइन कर दिया ऐसे, है ना। ही हैज गॉट द सेटअप ऑफ लाइक दिस, कि रिमूव करने के बाद ए और बी को जस्ट ज्वाइन कर दिया सर, कि सिर्फ इसमें अब दो ही पार्ट हैं ए एंड बी, बीच वाला जो पार्ट है उसको हटा दिया वहां से, हाँ। तो उसको इसने नाम दे दिया कि भाई ये मेरा स्प्लिट लेंस है, कि भाई लेंस के दो पार्ट में कट करके मैंने इसको ज्वाइन कर दिया, इसी को हम बोलते हैं स्प्लिट लेंस। तो जो स्प्लिट लेंस होता है उसमें भी सेम वैसे ही है कि एक अगर आप सोर्स ऑफ लाइट यूज करोगे तो ए से भी रे पास होगी और बी से भी पास होगी, तो दोनों का कन्वर्ज होने के बाद दोनों का इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाता है, जैसे बिलेट स्प्लिट लेंस इसमें बनाता, फ्रेशनल बाइप्रिज्म ये स्क्रीन है, तो इसका भी हम वैसे ही बना सकते हैं जैसा अभी आपने बनाया था, कि भाई यहाँ से अगर कोई रे ऐसे जाएगी
है ना, तो ए पार्ट की वजह से जो रे होगी वो इस तरह से नीचे चली जाएगी ऐसे, जैसे इस केस में गई थी। एक दूसरी रे भी आप ले लो ऐसे गई, और इसको भी थोड़ा सा कन्वर्ज कर लेते हैं, अल्टीमेटली कन्वर्ज तो करेगा ही ना। तो ये तो अपर पार्ट ने किया ए पार्ट ने, ऐसे लोअर पार्ट भी कर देगा ऐसे। लोअर पार्ट को अगर हम देखेंगे तो लोअर पार्ट भी इस तरह से कन्वर्ज कर देगा, है ना, तो सुपर पोजिशन हो जाएगा। यहाँ से लोअर पार्ट में भी कन्वर्ज कर दिया ऐसे, लाइक दैट। तो स्क्रीन पे सुपर पोजिशन होगा और अल्टीमेटली आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन जाएगा, और इसमें भी सोर्स वैसे ही होंगे, इसकी जो इमेजेस होंगी भाई, ए की जो वर्चुअल इमेज होगी वो आपके पीछे बन जाएगी ऐसे, ए की जो वर्चुअल इमेज होगी ये इस तरह से आपके पीछे यहाँ बन जाएगी, दिस इज द वर्चुअल इमेज ऑफ द ए, पीछे ले जाएंगे ना से। एग्जैक्ट ऊपर बने कोई जरूरी नहीं है, कहीं और भी बन सकते हैं ऐसे। ये इमेज बन गई, इसको हम बोलेंगे सोर्स नंबर वन, और ऐसे आपका जो लोअर पार्ट था उसकी इमेज भी बन जाएगी ऐसे, है ना। और इसको भी अब अगर हम करेंगे तो लोकेशन तो सेम ही होगी, क्योंकि इसका फोकल लेंथ तो दोनों पार्ट का सेम ही रहेगा ना, तो इमेज की पोजीशन सेम ही जगह पर रहेगी, S2 बन गया, है ना। तो हम बोलेंगे एक सोर्स S1 हो गया, एक S2 हो गया, लेकिन अल्टीमेटली सोर्स तो सेम ही है। तो अगर अल्टीमेटली सोर्स इस केस में सेम होगा तो बेसिकली आपका इंटरफेरेंस पैटर्न बन सकता है। इसमें फॉर्मूला वही है कि अगर आपसे कोई पूछे कि भाई फ्रिंज विड्थ की वैल्यू कितनी होगी, वो आपका हो गया लैम्डा डी बाई स्मॉल डी, स्मॉल डी की वैल्यू ये हो गई और कैपिटल डी की वैल्यू ये हो गई। तो सारे फॉर्मूला वैसे यूज करेंगे जैसे हम यंग्स डबल स्लिट में यूज करते हैं, बस नाम अलग हो गया कि किसी ने मिरर यूज किया, किसी ने प्रिज्म यूज किया, किसी ने बिलेट यूज किया, स्प्लिट लेंस यूज किया, उसको अकॉर्डिंग हम नाम चेंज करते हैं। सारे इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट ही उसका भी फ्लो। दिस इज नोन एज ए बिलेट स्प्लिट लेंस। है ना, आप एक साइंटिस्ट कैसे पीछे रह जाता बताओ, आपको वो कौन सा साइंटिस्ट होगा कि भाई यंग्स ने भी बताया कुछ, लॉयड ने भी बताया, है ना, और आपका फ्रेशनल ने बताया, बिलेट ने बताया, कौन सा साइंटिस्ट आपको मिसिंग लग रहा है? हाँ, स्मिथ ने सही बोला भाई, न्यूटन, रिया ने भी सही बोला भाई। न्यूटन नहीं आएगा तो फिर काम नहीं होता, है ना। जैसे पूरे थर्मोडायनेमिक्स के लॉज जो है वो तो आपके बोल्ट्जमैन ने दिया, मैक्सवेल ने दिया, कार्नोट ने दिया, है ना, बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उसमें। लेकिन एक आ गया स्टीफन बोल्ट्जमैन ने दिया, स्टीफन लॉविंस लॉ, एक आ गया न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो थर्मोडायनेमिक्स में भी आ गया न्यूटन। वैसे यहाँ पे भी था कि न्यूटन्स लॉ वो इंटरफेरेंस या वेव नेचर को मानते नहीं थे, न्यूटन्स वॉज नॉट एग्री विद द वेव नेचर ऑफ लाइट, उसकी तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई थी ना, तो वो इंटरफेरेंस नाम की कोई चीज या वेव नेचर नहीं मानते थे,
लेकिन उन्होंने भी एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें कि इंटरफेरेंस ऑप्टेन होता था, है ना। रीजन इज नॉट नोन टू हिम, ही वॉज नॉट यूज टू, ही वॉज नॉट, मतलब उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज वो वेव नेचर को मानते ही नहीं थे, जबकि इंटरफेरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए तो वेव नेचर चाहिए ही चाहिए। तो एक कंसेप्ट आ जाता है लास्ट आपका, दैट इज योर न्यूटन्स रिंग, उसको हम बोलते हैं न्यूटन्स रिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है न्यूटन्स रिंग। तो जस्ट एक ऑब्जर्वेशन है, न्यूटन का कंट्रीब्यूशन है कि उसने ये चीज ऑब्जर्व की। जैसे उसने ऑब्जर्व किया तो व्हाइट लाइट के 7 कलर्स बता दिए कि भाई व्हाइट लाइट कलर, व्हाइट लाइट जो होती है 7 कॉन्स्टेंट्स कलर उसमें होते हैं, वैसे उनके ये भी ऑब्जर्वेशन थे। तो ही व्हाट ही हैज टेकन, ही हैज जस्ट टेकन दिस, एक यहाँ पे ग्लास की प्लेट ले ली, है ना, और इसके ऊपर एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख दिया। इस ग्लास प्लेट के ऊपर ही हैज पुट वन प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऐसे, है ना, कि एक सरफेस प्लेन है दूसरा कॉन्वेक्स है, एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ये टच कर रहा है और उसके बाद इस तरह सेपरेट हो गया, है ना। तो ये आपका ग्लास प्लेट हो गया और ये आपका हो गया प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। तो व्हाट ही हैज ऑब्जर्व कि जब यहां पे कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है, इस पूरे सरफेस में अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट इंसिडेंट होती है ना, कि भाई मोनोक्रोमेटिक लाइट इस सरफेस पे आ रही है और जब हम इसको देखते हैं ऊपर से तो उसको बड़ा अच्छा पैटर्न दिखता है कि एक सेंटर पे डार्क स्पॉट दिखता है जहां पे कॉन्टेक्ट वाला पड़ रहा है ना। अगर हम इसको ऊपर से कोई ऑब्जर्वर देखे, यहां से ऑब्जर्वर देख रहा है इसे, तो मोनोक्रोमेटिक लाइट आ रही थी, तो जब ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर के आई में जाएगी तो उसको बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है, एक सेंटर में डॉट स्पॉट दिखा, फिर उसके चारों तरफ ना इस तरह से रिंग्स बनते हुए दिखते हैं, अल्टरनेट राइट एंड बार रिंग्स, ऐसे रिंग्स बन जाते हैं पूरे, है ना। सर्कुलर इसलिए बनते हैं क्योंकि ये तो क्रॉस सेक्शन है, टॉप से देखेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस का भी फेस जो होगा वो सर्कुलर ही होगा ना, तो उसको एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है। इसी को उसने नाम दिया कि ये चूंकि मैंने ऑब्जर्व किया है इसलिए इसका नाम न्यूटन रिंग है, हाँ, कि भाई एक ग्लास प्लेट के ऊपर अगर प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस रख के मोनोक्रोमेटिक लाइट से इसको देखें, है ना, आप रख के देखोगे तो नहीं दिखेगा ज्यादा, क्योंकि आप जो यूज करोगे तो व्हाइट लाइट यूज करोगे ना। अगर सिंगल वेवलेंथ की यूज करें तो यहाँ पे आपका डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, फिर डार्क दिखेगा, फिर ब्राइट दिखेगा, है ना। मतलब ये जो चीज है इसको हम बोलेंगे डार्क रिंग, है ना, बीच में जो ब्राइटनेस है वी कॉल इट एज अ ब्राइट रिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखता है सब में, है ना। तो उसने बस यही उसने बता दिया कि भाई ऐसा देखने से दिखेगा, बट ही वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन इट कि क्यों दिख रहा है। मैं सबसे ज्यादा परेशान हुआ इस चीज से था कि जहां पे कॉन्टेक्ट हो रहा है वहां पे डार्क ही क्यों हो रहा है। उसने सोचा लगता है यहाँ पे कोई ना ठीक से पॉलिश नहीं हुआ है, बड़ा अच्छे से पॉलिश किया फिर भी रखा, फिर ना डार्क डार्क ही रहा, ये ब्राइट में कन्वर्ट नहीं है। तो न्यूटन एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन हम कर सकते हैं क्योंकि हमें तो इंटरफेरेंस पता है ना, है ना। तो इसका रीजन ये होता है कि जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आएगी इस तरह से, कि इस तरह से अगर कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट आपकी आ रही है ऐसे, तो इसका कुछ फ्रैक्शन तो इस सरफेस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ अंदर जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा ऐसा। भाई एक जो लाइट आएगी इस तरह से, तो एक तो आपकी सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गई और एक अंदर जाके रिफ्लेक्ट होकर वापस आएगा, ऐसे चारों तरफ से होगा। मैं तो कहीं एक जगह बता रहा हूँ, है ना, किस तरह से भी लाइट आएगी ऐसे, एक तो यही से रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, और एक आपका अंदर जाके रिफ्लेक्ट हो गया है। तो आपको तो अल्टीमेटली मोनोक्रोमेटिक ही तो हो गया भाई, ये तो दोनों है मोनोक्रोमेटिक होंगे, ये दोनों भी मोनोक्रोमेटिक होंगे और ऐसे एक्चुअली चारों तरफ होगा क्योंकि इसका फेस तो सर्कुलर है ना। तो दोनों मोनोक्रोमेटिक को जब आई का लेंस रेटिना में सुपर इम्पोज करेगा तो इंटरफेरेंस होगा और इंटरफेरेंस की वजह से ये न्यूटन्स रिंग दिखता है, हाँ, कि न्यूटन्स रिंग का मेन जो रीजन होता है वो क्या होता है, इसलिए आपका इंटरफेरेंस होता है, हाँ। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि भाई पार्ट डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में,
ये पार्ट डिफरेंस इतना होता है ना, वो हम डिराइव करते हैं, पार्ट डिफरेंस की वैल्यू हो जाती है 2t माइनस लैम्डा बाई टू। अब t क्या होता है ये ध्यान रखना पड़ेगा, t ये डिस्टेंस होती है, ये बीच का गैप जहां पे आ रहा है और नीचे के बीच का जो डिफरेंस होता है ये t होती है, और इफ दिस t इज वेरिएबल है ना, क्योंकि जैसे जैसे हम राइटवर्ड जाएंगे ये t जो गैप है वो बढ़ता जाएगा ना, जहां गैप ज्यादा है धीरे धीरे गैप कम हो रहा है, और यहां पे गैप जीरो हो गया। तो वही बात है कि पार्ट डिफरेंस इतना होगा, जब ये पार्ट डिफरेंस जिस जगह पे एन लैम्डा के इक्वल होगा वहां पे ब्राइट रिंग बन जाएगी, इसको इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि टी वेरिएबल है तो कोई एक ही जैसे थोड़ी जाएगा, टी अगर चेंज होगा तो कहीं पे एन लैम्डा के इक्वल होगा तो वहां ब्राइट रिंग बन जाएगी, और जहां पे ये 2n-1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा वहां पे डार्क रिंग बन जाएगी। अब आपको ये भी पता चल गया कि सेंटर में तो व्हाइट हो ही नहीं सकता, डार्क ही होगा, क्योंकि एट सेंटर टी की वैल्यू जीरो हो जाएगी ना, और टी जब जीरो होगा तो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2 हो जाएगी, और डेल्टा एक्स जब लैम्डा बाई 2 होता है तो दिस इज द कंडीशन फॉर मिनिमम, कंडीशन फॉर मिनिमम। तो जितना मर्जी आप इसको पॉलिश करके घिस लो यहाँ पे डार्क ही बनेगा, ये पार्ट डिफरेंस तो लैम्डा बाई 2 रहेगा ही रहेगा, तो ये मिनिमा की कंडीशन ही हो जाएगी है ना, तो इसलिए डार्क आता है। तो ये जो न्यूटन्स रिंग का जो कॉज होता है दिस इज ऑल्सो ड्यू टू इंटरफेरेंस। तो दिस इज नोन एज न्यूटन्स रिंग। तो आपके एग्जाम में सिंपल ऐसा आ जाएगा कि न्यूटन्स रिंग में पैटर्न कैसा होता है या सेंटर में क्या होता है, तो इस बस थोड़ी सी थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए आपको इसकी, ये चीज होती क्या है। हाँ, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क होगा, हमेशा होगा, न्यूमेरिकल्स कम होते हैं इसमें, इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं होते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा, ये डेरिवेशन जरूरी नहीं है बेटा, डेरिवेशन बड़ा लंबा है इसका, आप बस ये ध्यान रखो। पार्ट डिफरेंस वैसे कुछ है नहीं है सर, सॉरी ये 2t-λ/2 नहीं प्लस लैम्डा बाई 2 होगा, है ना, कि 2t-λ/2 नहीं प्लस लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये लिख लेना जरा मॉडिफाई कर लेना, वो सही बट टी से अंदर गई टी से वापस आई तो टूटी तो आ ही जाएगा, और रिफ्लेक्शन जब होता है तो एक लैम्डा बाई 2 भी आ जाएगी, उसमें इतना कुछ सोचने वाली बातें नहीं है, वही जब अंदर जाएगी तो टी एक्स्ट्रा ट्रेवल करेगी लेकिन टी से वापस भी आएगी तो टूटी हो जाएगा, और रिफ्लेक्शन जब भी होता है डेंसर बाउंड्री में तो एक लैम्डा बाई 2 आ ही जाता है, तो लैम्डा बाई 2 भी आ गया, ये पार्ट डिफरेंस हो जाएगा, है ना, कि पार्ट डिफरेंस आपका आ जाएगा। है ना, अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज दिखाई देगी, बाद में यंग्स ने ना इसको डार्क को उसने ब्राइट कर दिया था, है ना, भाई न्यूटन्स ने तो बोला नहीं यही पॉसिबल है ऐसे ही हमेशा दिखाई देगा, लेकिन यंग्स तो मास्टर था ना इंटरफेरेंस का, तो पूरी चीजें बता दी सब कुछ, तो उसने इसको वाइट भी ऑप्टेन कर दिया था, उसने बीच में ना एक ऑयल की फिल्म लगा दी थी, है ना, ऐसा ऑयल ले लिया जिसकी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो ग्लास से ज्यादा होती है, तो ये लैम्डा बाई 2 वाला टर्म कैंसिल हो गया था, है ना, और लैम्डा बाई 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो पार्ट डिफरेंस सेंटर पे जीरो आ जाएगा, तो जीरो आ गया तो व्हाइट बन जाएगा, तो जब सिंपल ग्लास के ऊपर ग्लास रखते हैं तो डार्क आ जाता है, इसके बीच में अगर ऐसा कोई ऑयल का फिल्म लगा लें बहुत थिन जिसकी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास से ज्यादा है, तो ये बीच सेंटर वाला
डार्क के बजाय व्हाइट भी हो गया था, है ना, तो व्हाइट हो जाता है, हाँ व्हाइट मतलब ब्राइट बन गया था वो डार्क की वजह से। व्हाइट वर्ड मत यूज करो, ब्राइट यूज करो, है ना, कि ब्राइटनेस आ गई थी सेंटर पर। तो चूंकि इंटरफ्रेंस की नॉलेज होती है तो कर लेते हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो ये जस्ट दैट्स ऑल विथ योर वेव ऑप्टिक्स, आज हमने वेव ऑप्टिक्स स्पेसिफिकली आपका कंप्लीट कर लिया। ये थोड़ा सा चीज बचा था, मैं इसको भी क्यों छोड़े, इसको एक पढ़ लो। ऑप्टिक्स कंप्लीटेड, नेक्स्ट क्लास में फॉर्मूला रिवीजन एंड न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना। आज भी अभी मैं न्यूमेरिकल्स कुछ देता हूँ आपको, मैं उसको आप अटेम्प्ट करो, है ना, तो आप समझ जाओगे ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ टॉपिक खत्म हो गया बेटा, टॉपिक इज कम्प्लीटेड, आई शेयर फिर न्यूमेरिकल्स, उसको ट्राई करो थोड़ा सा। हाँ ये बहुत बढ़िया चैप्टर है वे ऑप्टिक्स, मतलब यही सब चीज़ें जो फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, जैसे कई लोग फिजिक्स जो यूज होती है वो यही सब यूज होती है, ज्यादा प्रैक्टिकल जो यूज होती है। मतलब तो बहुत कुछ समझने का होता है इसमें, कंसेप्चुअल ज्यादा होता है। ठीक है, आई शेयर फ्यू न्यूमेरिकल्स। हाँ मेरे पास तो सारे चैप्टर की प्लेलिस्ट है, मैं अभी प्लेलिस्ट मैंने पूरा बनाया नहीं है, लेकिन है सारे चैप्टर्स उसमें, चैनल पे तो सारे चैप्टर्स ही हैं, है ना, ये सारे चैप्टर्स हैं चैनल पे, है ना। तो जब मैं बना लूंगा तो मैं उसमें प्लेलिस्ट में डालते जाऊंगा धीरे धीरे, चैप्टर्स तो सारे ही हैं, क्योंकि दो सेशन से चल रहा है ना ऑनलाइन, ये इज द सेकेंड सेशन, है ना, सेकेंड सेशन। हाँ ये इंटरेस्टिंग बहुत सही बात है, ये चैप्टर मुझे ही बहुत अच्छा लगता है वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है उसमें, उसमें तो मिरर है, लेंस है, वो एक ही फॉर्मूले को साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग यूज करते रहते हैं। टेक्निकल ज़्यादा इस वेव ऑप्टिक्स ही है ना, टेक्निकल बहुत है। चलो मैं कुछ न्यूमेरिकल शेयर कर रहा हूँ, उसको करो आप सॉल्व। अरे कहाँ चला गया, एक क्वेश्चन था फ्रेशनल बाइप्रिज्म, उसमें वर्ड यूज हो रहा था, क्या पता आपने सॉल्व ही कर लिया होगा कहीं। हाँ ये कर लो, ठीक है मैं अपलोड करूंगा, थर्मो चैप्टर में अपलोडेड तो है ही, लेकिन उसमें जो है ना वो प्लेलिस्ट बना लूंगा मैं उसकी, तो प्लेलिस्ट चेक करना आपको मिल जाएगा। अपलोडेड तो थर्मो चैप्टर है ही, प्लेलिस्ट मैंने नहीं बनाया उसका। हाँ फॉर्मूला सेम होता है, अब बाइप्रिज्म से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सेम फॉर्मूला एज वाई डी एस सी, ये लिख लो आप इसमें।
हाँ हिमांशु एंड आर्या चस्कर योर आंसर इज करेक्ट. सालने सही है, अथर्व सही है. राजदीप संचिता योर आंसर इज करेक्ट. आर्या सही है आपका आंसर. सिद्धि सही है. आर्या सही है आपका आंसर. सही है, काफी लोगों ने सही आंसर दिया है. तो आई विल एक्सप्लेन. देखो कुछ सेम फॉर्मूला होता है. तो पोजीशन ऑफ द अर्थ मैक्सिमा का फॉर्मूला क्या होता है? पोजीशन ऑफ द अर्थ मैक्सिमा का फॉर्मूला होता है एन लैम्डा डी बाई स्मॉल डी. तो किसी भी वाई डिस्टेंस पे इसने बोला है कि हाँ एन फॉर द रेड ब्राइट बैंड, जो एनथ का रेड का है. तो रेड की वेवलेंथ आप यहाँ पे ले लो. रेड की वेवलेंथ आपकी हो जाएगी 6.5 इंटू 10^-7 कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो जिस पोजीशन पे रेड का एनथ बन रहा है वहां पे ग्रीन का एन प्लस एनथ बन रहा है. तो यहाँ पे जो एन था इसकी जगह पे एन प्लस एनथ ले लेंगे और ग्रीन की वेवलेंथ ले लेंगे इंटू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी. तो हो गई. हाँ कैपिटल डी बाई स्मॉल डी तो कैंसिल ही हो गया. तो सॉल्व करके एन प्लस एन की वैल्यू आ जाएगी. तो एन की वैल्यू आपकी 4 आ जाएगी. मीन सी ऑप्शन इज करेक्ट. कि जिस पोजीशन पे रेड का एनथ बन रहा था उस पोजीशन पे ग्रीन का एन प्लस एनथ बन रहा है. दोनों को इक्वेट कर देंगे डिस्टेंस को. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा. इकरा सही आपका आंसर. तो इसमें अब ये नाम से क्या फर्क पड़ गया? हाइपरिज्म मतलब आपको पता है आपकी इस तरह का सेटअप होगा कुछ. लेकिन अल्टीमेटली फॉर्मूला तो YDSC वाले यूज करने हैं. थोड़ा सा केयरफुल रहना क्योंकि कई बार जो होता है वो लैम्डा बाई 2 का कंसेप्ट आ जाता है इसमें. इसमें तो नहीं आएगा, बुलेट में भी नहीं आएगा. लॉयड मिरर में एक लैम्डा बाई 2 जो एक्स्ट्रा आ जाता है उसके लिए फिर पोजीशन फॉर्मूले चेंज हो जाता है. वो थोड़ा सा है, अदरवाइज तो सेम ही रहेगा. ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए इतनी काफी है ना. तो आज अपने वेव ऑप्टिक्स कंप्लीट कर लिया. तो आप ट्राई करो कितना कर सकते हो. लेवल 1, लेवल 2,
है ना, पी वाई क्यूज। लेकिन ध्यान रखना कि इसकी वजह से बाकी सब्जेक्ट या बाकी फिजिक्स के पोर्शन में आपको कम कवर नहीं होना चाहिए, इसको तो करो ही, क्योंकि ये मेजर टेस्ट में इसके क्वेश्चंस कितने होंगे अभी हम नहीं जानते ना, एक आ रहा है, दो आ रहा है, तो ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। आप चाहो तो इसको मेजर टेस्ट के बाद ज़्यादा अटेंड कर लेना, अभी आपको मेजर टेस्ट के सिलेबस को एक मिनिमम लेवल पे सारे टॉपिक्स करने हैं, तो वो ध्यान रखना बस में, है ना। ओके बाय बाय। हाँ मैं प्ले लिस्ट बना लूंगा उसको, थर्मोडायनेमिक्स का, आई विल प्ले मेक द प्ले लिस्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके बाय बाय।